नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 News। SPN9 News में आपका स्वागत है। रीता बहुगुणा जोशी ने हाल ही में कहा था कि मेरा बेटा 12 साल से BJP में काम कर रहा है, ऐसे में उसने टिकट मांगा है, यह उसका अधिकार भी है। उन्होंने कहा था अगर पार्टी उनके बेटे को टिकट देती है तो वे सांसद पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा यह बात उन्होंने BJP नेतृत्व को भी बता दी है। बता दें आपको, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका लग सकता है। बताया जा रहा है कि BJP सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी आज सपा में शामिल हो सकते हैं। सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने दावा किया है कि आज शाम 4 बजे समाजवादी पार्टी के लखनऊ के महत्वपूर्ण नेताओं को पार्टी दफ्तर बुलाया गया है और रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक आज शाम समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के दल बदल के बीच लंबे वक्त से BJP सांसद रीता बहुगुणा जोशी की भी नाराजगी की चर्चा है। दरअसल रीता बहुगुणा जोशी ने बताया कि उनके बेटे ने लखनऊ कैंट से टिकट मांगा है। हालांकि इस सीट से अपर्णा यादव समेत BJP के कई दिग्गज नेता उम्मीदवारी ठोक रहे हैं, ऐसे में BJP के लिए ये सीट सरदर्द बनी हुई है। हाल ही में बीच रीता बहुगुणा जोशी ने कहा था कि मेरा बेटा 12 साल से BJP में काम कर रहा है, ऐसे में उसने टिकट मांगा है, यह उसका अधिकार भी है। उन्होंने कहा था कि उनके बेटे ने लखनऊ कैंट से टिकट मांगा है, अगर पार्टी उनके बेटे को टिकट देती है तो वे सांसद पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। उन्होंने ये बात उन्होंने BJP नेतृत्व को भी बता दी है। रीता जोशी ने कहा था अगर पार्टी ने नियम बनाया है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, ऐसे में अगर मेरे बेटे को लखनऊ कैंट से टिकट मिलता है तो मैं सांसद पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ, ना ही मैं 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ूंगी। उन्होंने कहा कि मैं ये पहले ही ऐलान कर चुकी हूँ। ऐसी और खबरों के लिए जुड़े रहिएगा SPN9 News के साथ। धन्यवाद।